नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वा चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि 36400 के नीचे आपने सेल करना है और आपको नीचे टारगेट मिलेगा 36008। हालांकि वो तो नहीं मिला, पर फिर भी हमें 36100 तक के वो जरूर लेवल मिले, और एक बार नहीं बार बार मिले। तो इस तरह से हमने तकरीबन कोई एक बार नहीं हमने प्रॉफिट लिया, बल्कि बार बार लिया। बार बार मतलब पहले बाय किया, पहले पुट बाय की, फिर यहाँ पे 36200 तक हमने प्रॉफिट बुक किया 200 पॉइंट का, फिर से हमने पुट बाय की, फिर से 36200 मिला, फिर 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, फिर से 36200 की हमने पुट ली, फिर से 200 पॉइंट मिला। मतलब इस तरह से हम सारा दिन लगे रहे, हमें 600, 700, 800 पॉइंट का प्रॉफिट बार बार हुआ। मतलब 36400 जो मैंने कहा था कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने लाइन लगाई थी 36463 की, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन थी। तो इसीलिए इसको मैंने इस लाइन लगाई थी कि यहाँ से आपने सेल करना है। तो आपको अच्छा भारी भरकम प्रॉफिट हुआ होगा पुट ले लेके, तो आप सबको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा, अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी मैंने कहा था कि 16900 तक कोई डिप आए तब आपने बाय करना है। तो ऐसा तो कोई डिप आया नहीं, पर 16980, 16990 के आसपास ही मार्केट यही एक सीमित दायरे में काम करती रही, 17066 से 17150 तक। मतलब 100 पॉइंट का इसका एरिया था, क्योंकि तो यहाँ पर 50 डेमा था, 200 डेमा था। तो इसी वजह से मैंने कल भी समझाया था, अगर इन डेमो में फंस गई मार्केट तो ये ऐसे ही ऊपर नीचे यहीं पे होती रही। तो आपने देखा होगा इन डेमो के बीच में ही ऊपर नीचे होती रही, कहाँ से कहाँ जाती रही, 50 डेमा से 200 डेमा, 200 डेमा से 50 डेमा, ऐसे ही इसमें सारा दिन चलता। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपने देखा होगा जो दर्शक नए आए हैं, तो कि हमने कितनी आसानी से बैंक निफ्टी में अपना प्रॉफिट लिया, और हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से अगर हम पुट बेचेंगे लेंगे तो हमें प्रॉफिट हो। तो जो दर्शक अभी नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक करें, क्योंकि तो वहां पर भी हम आपको काफी मदद करते रहते हैं। आज भी हमने बीच में निफ्टी में प्रॉफिट भी दिलवाया आपको, हमने बता दिया था कि ये निफ्टी एक 15 मिनट, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 15 मिनट के, देखिए यही फायदा होता है जो मैंने वो बनाई थी। ये मैंने ये बताया था कि निफ्टी 15 मिनट का फ्लैग बना रही, 15 मिनट चार्ट पे, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाया और कैसे ये फ्लैग बन रहा है, और इस फ्लैग के ऊपर इसने यहाँ से प्रॉफिट दिया। मैंने कहा था कि 17140 जैसे ही क्रॉस होगा तो ये जाएगी 200 EMA तक, तो कहाँ गई, 17180 तक, क्योंकि यहाँ पर था 200 EMA। तो यहां से हमें तकरीबन 40 पॉइंट का प्रॉफिट जरूर हो गया। ये भी मैंने टेलीग्राम में ट्रेड आपको दे दी थी, और साथ साथ में आपको गाइड भी करता है। यही कारण है कि जो अभी तक जिन्होंने फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि आपको वहां से भी नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तीन स्टॉक दिए थे। सबसे पहला स्टॉक था SBI कार्ड। SBI कार्ड देखिए बीच में ही हवा में ही रहा, ना तो ये यहाँ आया तो हम सेल करते, या तो ये 750 के नीचे जाता तो हम सेल करते, तो इसलिए हमने इसमें कोई भी ट्रेड नहीं ली। दूसरा जो स्टॉक था वो था MCX। MCX को हमने एग्जैक्टली 1363, जहां पर मैंने कहा था कि यहाँ बेचना, तो यहाँ पे बेचा और हमें टारगेट मिला 1337 के आसपास, जो कि 1330 था, और यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया इसने। तो इस तरह से हमें यहाँ पर भी 20-22 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तीसरा जो था वो था मदरसन सुमी। मदरसन सुमी ने पहले तो हमारा SL हिट हो गया 1 पॉइंट का, उसके बाद फिर वापस हमने जब सेल किया तो हमें नीचे फिर 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो कुल मिला के 1 पॉइंट का ही प्रॉफिट इसमें हो गया, क्योंकि शेयर छोटा है, तो इस छोटे से शेयर में इसकी भी परसेंटेज काफी हाई है इस 1 पॉइंट पे। तो कल के लिए जो हम आपके लिए स्टॉक लेकर आए हैं वो है रिलायंस। तो रिलायंस को आप ध्यान से देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा रिलायंस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, वी शेप में रिकवरी दी है और वहां से ब्रेकआउट दी। यही वजह है कि हमने रिलायंस को कल के लिए चुना है, और पूरी मार्केट में अगर कोई इंडेक्स को बचा रहा है तो सिर्फ रिलायंस है, रिलायंस ने संभाल के रखा हुआ है। तो 2694 तक कोई भी डिप आए बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 2671। क्यों? क्योंकि 2671 पहले रेजिस्टेंस था जो अब एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 2671 एक स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 2810 और 3000 के रहेंगे। तो ये है रिलायंस। तो हम मैंने एक ही स्टॉक आपके लिए चुना है, मुझे जिसमें
100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये स्टॉक बिल्कुल सही जाएगा, मैं वही चॉइस करता हूँ, तो इसलिए मैंने तीन स्टॉक ना लेकर सिर्फ एक स्टॉक ही लिया है, क्योंकि एक स्टॉक ही मुझे पूरी मार्केट में अच्छा सा मिला है, वो मैंने आपको दे दिया। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे कि हमने कल बैंक निफ्टी में क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम वर्ल्ड मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए वर्ल्ड मार्केट में सारा कुछ शांत है, कोई नई चीज है नहीं है। नई चीज जो आ रही है वो ये है कि जो कोरोना चाइना में फैला हुआ था अब धीरे धीरे इंडिया में भी फैल रहा है। दूसरी जो नई चीज है वो ये है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अभी भी अच्छे नहीं आ रहे। आपने देखा होगा ACC सीमेंट के भी जो रिजल्ट आए उसके भी EBITDA मार्जिन काफी कम हुआ है, गिर के आया है, तो उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि ACC सीमेंट काफी बड़ा है, तो वो एक टेक्निकली बड़ा है टेक्निकल लेवल्स की वजह से, वरना उसमें फंडामेंटली वीक रिजल्ट आ रहे हैं सभी स्टॉक्स के। तो इसलिए यही कारण है कि मार्केट पर प्रेशर है, जो मार्केट आपको गिरती नज़र आ रही है बार बार, और बैंक निफ्टी गिरती नज़र आ रही है, उसके सारे कारण रिजल्ट ही है। और जो US मार्केट भी आपको प्लस दिखाई दे रही है वो भी उसका कारण रिजल्ट ही है और कुछ नहीं। और अगर हम देखें क्रूड फिर से तेज हो रहा है, 108.76 पर पहुंच गया है, जो कि पहले कल 107 तक आ गया था, 2 पॉइंट फिर से बढ़ गया है। और अगर हम देखें बॉन्ड यील्ड वो काफी हाई पे है, तो ये भी एक वजह है महंगाई की वजह से बॉन्ड यील्ड काफी ज्यादा है। तो मतलब अभी जो मार्केट में जो चीज चल रही है वो यही है, रिजल्ट और महंगाई। जब तक ये हमें कोई अच्छा साइन नहीं देते तब तक हमें कोई इतने बड़े ब्रेकआउट नजर नहीं आए। तो अब सवाल उठता है कि हमने बैंक निफ्टी में क्या करना है। देखिए बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही है 200 डेमा DEMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 36184, यहां से बार बार सपोर्ट ले रही है। अगर ये कल इसने इसे तोड़ा और 36066 के नीचे गया और हमें कंफर्मेशन मिल गई 50 मिनट कैंडल की क्लोजिंग की, तो हमने 36300 या 36600 या 36500 की पुट बाय करनी है, और हमें टारगेट मिलेंगे 35922, 35715 और 35120 तक का हमें फिर डिप मिल सकता है। मतलब अगर एक बार ये 200 डेमा मतलब एमा कह दूं, तो एमा अगर टूट जाए तो हमें काफी अच्छा नीचे ब्रेक डाउन मिलेगा, जो हमें लगभग मैं आपको बता दूं 800 से 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हमें देकर जाएगी पुट। पर ये है कि 36066 एक बार टूट जाए और उसके नीचे एक कंफर्मेशन आ जाए, तब हम लेंगे पुट। अब सवाल उठता है कि कॉल कहां बनती है। देखिए कॉल तो तब तक नहीं बनती जब तक ये सारे डेमा क्रॉस ना करते। सारे डेमा क्रॉस होंगे 36912 के ऊपर ही, तो जैसे ही 36912 के ऊपर जाए तभी आपने 36800 36800 की कॉल लेनी है, और टारगेट रहेंगे 37124 37295 37572 37850 और 38000 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं, फिर बन जाएगी ये बुल मार्केट। अभी तक ये है बेयर मार्केट, खासकर बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह बेरिश है। अगर इसमें कोई जंप भी लगता है तो ये फिर भी नीचे ही गिरेगी जब तक ये 36912 के ऊपर ना चले जाए। क्यों? क्योंकि अभी कई सारे डेमा इसके रास्ते में है, तो ये डेमा बार बार इसे रोकेंगे। तो हमने कॉल 36912 के ऊपर लेनी है या फिर 36066 के नीचे लेनी है, पुट लेनी है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुल जाए, तो अगर फ्लैट खुल जाए इस यहीं पे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैं एक थोड़ी सी रिस्की ट्रेड आपको बता देता हूँ कि 36300 के नीचे बेचिए, और ये जो 200 एमए है 36180 100 पॉइंट लेने हो तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। 36300 के नीचे 36180 मिलता रहेगा, 36180 से 36300 मिलता है, ज्यादा से ज्यादा ये छोटी सी ट्रेड बनती है। पर ये मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा जो बड़े एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में, वही करें, वरना दूसरा कोई और इस तरह की ट्रेड मत लें। अगर फ्लैट खुले तो उसे छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने का, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं निफ्टी की ओर। तो इंडिया विक्स काफी गिरा है, तो अब ये बुलिश है, क्रूड बेरिश है, बॉन्ड यील्ड बेरिश है। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो ये रेंज बाउंड है। वो कैसे कि 17,000 पर काफी सारा पुट राइटर आज आ गया, 55 लाख, मतलब 17,000 फिर से कॉन्फिडेंस बनाया। 16900 16800 16900 और 17000 इन तीन लेवल्स पर काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है,
तो यहाँ से नीचे निफ्टी स्ट्रांग है, ऊपर अगर हम देखें तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 17200 पर और 17500, 17600, मतलब सभी के सभी 17200 कल की मार्केट में क्रॉस होना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कल 17200 क्रॉस हो गया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये भी मैं बता रहा हूँ ऑप्शन चेन के हिसाब से, अभी मैं जो बताऊंगा वो आप देखिए कि मैं क्या बताता हूँ आपको, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। तो अब हम आते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है 16900 से, 16900 से आज थोड़ी उसने कंफर्मेशन हमें दी है, पर डेमा की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं थी, फिर भी मैंने चलती मार्केट में आपको ट्रेड दी। देखिए इसकी जो असली ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 17302 के ऊपर, 17302 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, फिर ये मार्केट एक खुल के भागेगी, जिसे कहते हैं एक बुल मार्केट वो बन जाएगी, और फिर ये आ जाएगी 17357, 17430, 17565 और फाइनली जाएगी 17620, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17620। और अब हम आते हैं, अगर मान लीजिए फ्लैट खुले तब क्या करना है, तो आपने क्या करना है कि 17020 से 17066 तक कोई डिप लगे तो बाय कीजिए 17000 की कॉल। ये थोड़ी सी रिस्की है पर इसको आप कीजिए, और टारगेट मिलेगा 17100 और 17180। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 200 EMA, तो यही कारण है कि मैं इसे थोड़ा रिस्की बता रहा हूँ, वरना 16900 16900 तक कोई भी डिप आए तो 16900 की कॉल लीजिए, और स्टॉप लॉस लगाइए क्या वो लगाइए 16840 का, 16840 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 16843, 16840 के स्टॉप लॉस के साथ 16900 की कॉल, 16900 तक कोई भी डिप आए तो बाय करना है, और टारगेट मिलेगा 16971, 17020, 17066। दूसरा मैंने ये बताया कि 17066 तो कोई भी डिप आए, 17066 तक कोई भी डिप आए तब भी आप बाय कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस उसका 17020 लगाना सिर्फ 40-45 पॉइंट का, ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, और टारगेट 17100, 17180 और 17228 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। असली ब्रेकआउट 17300 के ऊपर आएगा। अब सवाल उठता है कि पुट कहाँ लेनी है? पुट तो तभी लेनी है अगर 16800 टूट गए, अगर 16800 टूट गया तो मार्केट बुरी तरह एक कुएं में गिरेगी काफी तेजी से 16200 की ओर, और हमें सीधे सीधे मिलेंगे मिनटों सेकेंटों में 600 पॉइंट का प्रॉफिट पुट में। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे के लेवल तोड़े तो हमें फिर जाकर निफ्टी टूट सकती है नीचे, पर काफी मुश्किल है 16800। अब कोई मुझसे पूछे कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो मैं आपको मैं फिर बताता हूँ कि निफ्टी ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश। तो निफ्टी का चार्ट अब अच्छा बनता जा रहा है धीरे धीरे, अभी अच्छा बना नहीं है, बन रहा है, तो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो बिगड़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो यही कारण है कि मार्केट में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि तो जब हर कोई देखता है कि बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, वो सपोर्ट के नीचे है, निफ्टी सपोर्ट के ऊपर है, तो इस तरह से इस कंफ्यूजन की वजह से एक हाई वॉलिटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ऊपर नीचे मार्केट हो रही है। तो संभल के ट्रेड कीजिए, जैसा हम यहाँ पे लेवल बताते हैं लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाने ना भूलिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और जो जिन्हें अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है तो उनको बताइए, ताकि वो इस तरह से लॉस होने से बच सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।